हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिन बच्चों का हरियाणा महिला पुलिस कांस्टेबल का 18 सितंबर 2021 को प्रथम पाली में एग्जाम है, तो परीक्षा से पहले यह प्रश्न जरूर देख लेना आप लोग। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। सारी क्लासें आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन जो डी है आपका ग्रीक की सभ्यता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सिंधु घाटी की सभ्यता घोड़े के जो अवशेष हैं ये कहां मिले थे। सुरकुर्दा, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। राजस्थान, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। सिलखड़ी, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहां के थे, शहरी थे, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। दयाराम सहनी, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है। लोथल, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहां पर हुई थी। सो गाइस, ये खोज आपकी हुई थी लोथल में, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। उचित समतावादी, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया। मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो। जो पिछली बार आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें देखिए मिलान करने वाले भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थल, सूची 2 में है नदी।
आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? हड़प्पा का रावी से हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का सिंध से हो जाएगा, लोथल का भोगवा से हो जाएगा, कालीबंगा का घरघर से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कालीबंगा। सैदर सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मोहनजोदड़ो ये स्थित है सिंध में। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानगर पाया जाता है, मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आगशिव। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहन जोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसका स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सैदब स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन सी जो है आपका लोथल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, यह क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुत्ता के गेडर बलूचिस्तान। ठीक है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो यहाँ पे मांडा की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेनाब। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये स्थित था सतलज। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धौलावीरा में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आग ऐतिहासिक काल। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन जो डी है आपका मोहनजोदड़ो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से हैं? दया राम शाहिनी एवं राखल दास बनर्जी। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा एवं मोहन जोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे कौन थे? सर जॉन मार्शल। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोड दीजी, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानगार, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति में, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? गोदीबाड़ा, इसका मिलान हो जाएगा लोथल से। जुता हुआ खेत काली बग्गन से हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख धौलावीरा से हो जाएगा। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति बनवाली से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवदान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका लोथल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक का यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है दैमाबाद से, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन, सोना, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्रों के बतखता से, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? ए एवं बी दोनों से, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इनमें से सभी, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मोहन जोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आग्र शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इनमें से सभी, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहन जोदड़ो से, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रसत मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहन जोदड़ो से, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चंद्रहूड़ो, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं? लोथल, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कारण ए और कारण आर आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? पहला और दूसरा दोनों, ठीक है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और मिलान भी करना है आपको। सूची एक में हड़प्पा स्थल, सूची दो में स्थिति। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का मिलान मांडा से हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र का मिलान हो जाएगा दैमाबाद से, ओके। राजस्थान का मिलान कालीबंगा से हो जाएगा। हरियाणा का मिलान राखीगढ़ी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं।
अगला है क्वेश्चन, हड़प्पा काल स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रहूलों के उत्खनन का निर्देशन किया था? जे एच मैके ने, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा मेलुहा, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।